बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और यूनिट 2 है हमारा काइनेमेटिक्स। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम जो काइनेमेटिक्स चैप्टर का नाम है उसमें हम क्या पढ़ते हैं। तो द फर्स्ट थिंग कंसर्निंग द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ इट्स काइनेमेटिक्स, यानी कि पहली चीज़ जिसमें हम सिर्फ किसी भी चीज़ की मोशन, किसी भी चीज़ की जो हरकत के बारे में पढ़ते हैं वो हमारा काइनेमेटिक्स की ब्रांच में आ जाता है। फिज़िक्स की जो काइनेमेटिक्स की ब्रांच है इसमें क्या आ जाता है, ओनली स्टडी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी चीज़ जो हरकत करती है उसका तमाम जो हम इंफॉर्मेशन, उसके तमाम उसका जो इल्म है वो हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। काइनेमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन। कहते हैं काइनेमेटिक्स में हम जस्ट एक बॉडी की मोशन के बारे में पढ़ते हैं लेकिन उसके किस वजह से वो मोशन होती है उसके ऊपर हम कोई डिस्कशन नहीं करते। विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ मोशन, कि वो मोशन किस वजह से हो रही है, वो कैसी मोशन हो रही है, इसके साथ हमारा कोई रिलेट नहीं होगा। जस्ट हम ये बात करेंगे कि कोई चीज़ जो मूव कर रही है वो काइनेमेटिक्स से रिलेट होगी। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है 2.1, उसमें है रेस्ट एंड मोशन। मीन्स इन अल्फाज से हमें पता चल रहा है कि एक चीज़ रेस्ट पे रुकी हुई है और एक चीज़ मोशन जो हरकत कर रही है। ठीक है, तो रेस्ट की सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी, अ बॉडी इज सेट टू बी एट रेस्ट। एक किसी भी एक जिस्म को, किसी भी एक बॉडी को हम रेस्ट पे तब कहेंगे इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, अगर वो अपने इर्द गिर्द के माहौल से अपनी जो उसकी पोजिशन है उसको चेंज ना करें। तो ऐसी सिचुएशन को, ऐसी हम हालत को बोलेंगे रेस्ट के। एक बॉडी जो है हमारी रेस्ट पे तब होगी जब वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक किसी भी किस्म की कोई मूवमेंट, कोई भी मोशन ना करे। तो और दूसरे नंबर पे हमारे पास आएगा मोशन, अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन, और एक बॉडी को हम हरकत में मोशन करते हुए तब बोलेंगे इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, और अगर वो अपने इर्द गिर्द के माहौल के मुताबिक अगर वो अपने आप को चेंज करे, अपने आप को वो मूव करे, तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे कि बॉडी इज इन मोशन। रेस्ट में हम बोलेंगे बॉडी Do not change its position. और मोशन में बॉडी चेंजेस इट्स पोजिशन। लेकिन इसमें साथ एक और लफ्ज आएगा, बॉडी डू नॉट चेंज इट्स पोजिशन With respect to its surrounding, और इसमें भी मोशन में भी बॉडी चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स। मीन्स आपका इर्द गिर्द का जो सराउंडिंग है वो इसमें इन्वॉल्व होगा। अब फॉर एग्जाम्पल इस दोनों चीज़ों में क्या है कि अ पैसेंजर सिटिंग इन अ मूविंग बस इज एट रेस्ट बिकॉज ही और शी इज नॉट चेंजिंग हिज और हर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अदर पैसेंजर्स और ऑब्जेक्ट इन द बस। तो स्टूडेंट्स, ये जो रेस्ट है, मीन्स इसकी एग्जाम्पल उन्होंने ये दी हुई है कि एक बस में तमाम मुसाफिर बैठे हुए हैं। अब मुसाफिर अगर बस के अंदर वाले सारे सराउंडिंग को देखेंगे तो उनके मुताबिक कोई भी पैसेंजर मूव नहीं कर रहा, सारे के सारे अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में वो रेस्ट पे हैं क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे, उनकी जो सराउंडिंग है वो बिल्कुल मूव नहीं कर रही। तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलेंगे कि बॉडी इज़ एट रेस्ट, और जबकि एक बस में सब बैठे हुए हैं और बस चल रही है तो जो बाहर से देखने वाला एक शख्स है वो ये देखेगा और वो ऑब्जर्व करेगा कि पैसेंजर भी मूव कर रहे हैं और साथ साथ बस भी मूव कर रही है। तो उसके मुताबिक ये हो गया कि वो अब ऑब्जर्वर के देखने के मुताबिक उसकी जो सराउंडिंग में चेंजिंग आ रही है वो चेंजिंग यही आ रही है कि एक बस जो है वो विद पैसेंजर्स, तमाम चीज़ें बस भी मूव कर रही है और पैसेंजर्स भी मूव कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल को हम मोशन बोलेंगे कि ऐसी बॉडी जो अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपने मोशन को चेंज करे, अपनी पोजिशन को चेंज करे, वो मोशन कहलाएगी। तो ये हमारा टॉपिक 2.1 जो है वो इधर क्लियर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है हमारा 2.2 वो है टाइप्स ऑफ मोशन।
मीन्स पहले हमने रेस्ट और मोशन पढ़ी, अभी रेस्ट तो नहीं है, मोशन की जो आगे से एग्जाम है टाइप्स ऑफ मोशन उसको हम बयान करते हैं। तो टाइप्स ऑफ मोशन की जो मेन कैटेगरीज फर्स्ट ऑफ ऑल वो थ्री हैं। सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन, मींस क्या मोशन की इकसाम जो है कि कौन सी चीज कैसे मूव करती है, किस डायरेक्शन में वो मूव करती है। ट्रांसलेटरी मोशन फर्स्ट नंबर पे। सेकंड पे हमारे पास रोटेटरी मोशन, एंड थर्ड पे हमारे पास है वाइब्रेटरी मोशन। अब इनका हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए ट्रांसलेटरी मोशन की, तो ट्रांसलेटरी मोशन में क्या है, ट्रांसलेटरी मोशन में इन ट्रांसलेशनल मोशन अ बॉडी मूव्स अलॉन्ग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। मींस के एक बॉडी जो मूव कर रही है एक लाइन के गिर्द लेकिन बगैर घूम, रोटेशन हम कहते हैं घूमने को, तो बगैर घूमे हुए एक बॉडी मूव कर रही है तो उस हम मोशन को बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। द बॉडी मूव्स अलॉन्ग अ लाइन विदाउट एनी रोटेशन। तो इसका इसका इस जो एग्जांपल है इसकी वो आप कह लें ये जो हम पार्ट्स वगैरह में जो झूला देखते हैं जो एक ही लाइन में मूव कर रहा होता है विदाउट रोटेशन, विदाउट एनी रोटेशन जो बॉडी एक ही लाइन में मूव करेगी विदाउट एनी रोटेशन उसको हम बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन। अब स्टूडेंट ट्रांसलेटरी मोशन कैन बी डिवाइडेड इनटू लीनियर मोशन, लाइनियर मोशन, सर्कुलेटरी सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। अब ट्रांसलेटरी जो मोशन है इसकी मजीद इसको तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया। सबसे पहले लाइनियर मोशन, सेकंड पे सर्कुलर मोशन, एंड थर्ड पे रैंडम मोशन। जी सबसे पहले हमने टाइप्स ऑफ मोशन की बात की, टाइप्स ऑफ मोशन में ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को मजीद आगे तीन में डिवाइड किया गया, लाइनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। अब हम बारी बारी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइनियर मोशन क्या है हमारे पास, मीन्स इससे हम अंदाजा इसके लफ्ज से लगा सकते हैं लाइन से, मीन्स के ऐसी मोशन जो बिल्कुल एक लाइन में चलती होगी। तो स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज नोन एज इट्स लाइनियर मोशन। तो इसकी एग्जांपल है जो हमारे पास ये जो हमारी कार्स वगैरह हैं या जो एरोप्लेन मूव करता है वो बिल्कुल एक लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट जो है मूव करता है, ऐसी ऐसी मूवमेंट जो बिल्कुल लाइन में हो सीधी हो तो उसको हम लाइनियर मोशन बोलेंगे। सेकेंड पे हमारे पास सर्कुलर मोशन जो गोलाई में मोशन होगी सर्कुलर सर्कल से। तो द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ इज नोन एज सर्कुलर मोशन। ऐसी मूवमेंट ऐसी मोशन जो बिल्कुल एक सर्कुलर पाथ में हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और इसकी एग्जांपल है कि जो जमीन हमारी सूरज के गिर चक्कर लगा रही है, चांद जो है वो जमीन के गिर चक्कर लगा रहा है, इस तरह की तमाम जो सर्कुलर जैसे कि बच्चों के खिलौने वाली ट्रेन होती है जो वो गोलाई में वो लाइन बनी होती है और उसका वो क्या कहते हैं ट्रेन में मूव कर रही है सर्कल में एक मूव कर रही है, तो ऐसी हम तमाम मूवमेंट्स को बोलेंगे सर्कुलर मोशन। और नंबर थर्ड पे हमारे पास रैंडम मोशन जी। रैंडम मोशन में द डिसऑर्डर और इरेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। बेतरतीब वाली बेकायदगी वाली जो मोशन होगी कि एक चीज का अंदाजा ही नहीं कि किस तरफ जा रही है कैसे आ रही है कैसे जा रही है और क्या करना चाह रही है, ऐसी किस्म की जो मूवमेंट है वो हम उसको रैंडम मोशन कहेंगे। कि मींस जैसे कि ये एक लाइन है, अगर इसको ऐसे कोई इसके डायरेक्शन का हमें पता नहीं किधर जा रही है और कैसे आ रही है
तो ये हमारी क्या होगी, जैसे कि एक धुएं की आप एग्जांपल ले लें, किसी गैस की एग्जांपल ले लें, कि वो जो भी होगा उसका कुछ जिगजैग मूवमेंट, जिगजैग पाथ, कोई एक ढंग की जो इसकी मूवमेंट है वो बिल्कुल नहीं होगी। उसके बाद ये हमने तीन ये हो गई। इसके बाद अब हमारी जो सेकंड नंबर पे टाइप थी रोटेटरी मोशन, जी रोटेटरी मोशन क्या था, द स्पिनिंग मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स एक्सिस इज कॉल्ड इट्स रोटेटरी मोशन। ऐसी मोशन जो बिल्कुल एक एक्सिस पे, एक मदार में, एक पॉइंट के गिर्द हो रही हो। जैसे कि सबसे पहले तो ये जो हम पॉइंट है इसको हम बोलेंगे एक्सिस। अब एक्सिस हमारे पास क्या है, एन एक्सिस इज अ लाइन अराउंड विच अ बॉडी रोटेट्स, एक ऐसा पॉइंट जिसके गिर्द बॉडी जो है वो चक्कर लगाती है, या बॉडी की जो मूवमेंट होती है वो एक पॉइंट के गिर्द हो। जैसे कि ये हमारे घरों में जो पंखे लगे हुए हैं, वो पंखे के जो पार हैं वो बिल्कुल एक ही पॉइंट के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद ये हमारी जो साइकिल और मोटरसाइकिल का टायर है, कार का टायर है, ये भी बिल्कुल एक ही एक्सिस के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। उसके बाद जो कार का स्टेयरिंग है वो भी एक ही एक्सिस के गिर्द घूम रहा है। तो ऐसी मोशन जो एक ही पॉइंट के गिर्द चक्कर लगाए, उस मोशन को हम क्या बोलेंगे, रोटेटरी मोशन। नेक्स्ट हमारी जो नंबर थ्री पे हमारी टाइप थी वाइब्रेटरी मोशन, जी वाइब्रेटरी मोशन में क्या है, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज नोन एज वाइब्रेटरी मोशन। तो रोटेटरी में और वाइब्रेटरी में थोड़ा ही फर्क है। रोटेटरी में मैंने कहा था कि एक पॉइंट के गिर्द चक्कर लगाना, किसी भी बॉडी का एक पॉइंट के गिर्द चक्कर लगाना वो क्या होगा, रोटेटरी मोशन। और वाइब्रेटरी मोशन में भी यही है कि एक पॉइंट के गिर्द चक्कर तो लगाना, लेकिन वो गोल चक्कर ना लगाना बल्कि जस्ट आगे और पीछे मूव करना। जैसे कि घड़ियां, बस घड़ियां घर में होती हैं जिनके नीचे वो पेंडुलम वगैरह लगा होता है, वो एक ही पॉइंट के गिर्द एक ही एक्सिस के आगे और पीछे मूव करता है। टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन, मींस के उधर हमने इस पॉइंट को एक्सिस कह दिया था और इधर हम उसी पॉइंट को मेन पोजीशन कह रहे हैं, यानी कि जो उसकी रुकी हुई हालत है जिस पे वो पड़ा रहता है। तो किसी भी एक्सिस के, किसी भी मेन पोजीशन के आगे और पीछे मूव करना, इसकी एग्जांपल जैसे कि ये स्कूल में बच्चों के झूले होते हैं, ठीक है, सीसा झूला जिसे हम बोलते हैं, कि एक बच्चे इधर बैठता है, एक इधर, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, उन दोनों के भी मूवमेंट क्या है, एक ही एक्सिस के गिर्द उनकी मूवमेंट आगे और पीछे। इस तरह जो घरों में पिंग वगैरह होती है वो भी झूला झूलने वाली, वो भी एक ही एक्सिस के मेन पोजीशन के आगे और पीछे वो घूमती है। तो इस तरह से हमारा 2.2 जो टॉपिक है 2.2 वो मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट टॉपिक 2.3 नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।